हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर की तरफ से हमारे पास एक न्यू नोटिफिकेशन आया है जो कि 7 तारीख को रिलीज़ हुआ था, उसके रिगार्डिंग में मैं बात करूँगा। तो आपके पास अगर DMLT है, ITI भी है, और DMLT MLT मतलब कि वोकेशनल कोर्स होता है एक ITI की, तो DMLT ठीक है अगर वो है, और GNM है, BSc नर्सिंग है, तो इसमें उसकी वैकेंसी है इस कैटेगरी की। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हो वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम वन बाई वन सब बात करेंगे एम्स जोधपुर की तरफ से, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ से नोटिफिकेशन हमारा जारी हुआ था 7/2/2024, ठीक है। कल ये नोटिफिकेशन आया था 7 फरवरी को। फाइल नंबर आप देख सकते हैं 2024-89, ठीक है। तो आपकी जो इसमें वैकेंसी रहेगी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस पर रहेगी। आपसे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, प्योरली टेम्परेरी बेसिस की हमारी वैकेंसी है और एक प्रोजेक्ट के तहत होती है, और उसके एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं और फंडेड एजेंसी भी होती है। तो प्रोजेक्ट हमारा टाइटल क्या है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंटरव्यू बेस होती है, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका प्रोजेक्ट जो टाइटल होता है उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें इसका टाइटल है रोल ऑफ हैवी मेटल्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS कहते हैं जिसे हम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, एंड एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ सोडियम ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्ट टू SGLT इनहिबिटर्स इन PCOS, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपका भरा जाएगा इसमें, ठीक है, जो कि नीचे प्रोवाइड करवाया गया है। मैं बनवाई बना अभी बता दूंगा कैसे भरना है आपको एक एक स्टेप के साथ में। तो आपका इसमें मैंने टाइटल बता दिया है। इसके बाद अंडर जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह जी हैं, और एडिशनल प्रोफेसर हैं इसके डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एम जोधपुर की तरफ से है। तो हमारे पास इसमें पहली पोजीशन जो है, तो प्रोजेक्ट नर्स थर्ड की आपके इसमें डिजिग्नेशन आपका पद रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए मिनिमम सेकंड क्लास आप पास हों, CGPA 4 ईयर नर्सिंग कोर्स BSc नर्सिंग है आपके पास, ठीक है, और GNM है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इक्विवेलेंट है, इसके बराबर ही कोई कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल में आपके पास रिसर्च फील्ड वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट इन अ गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, टोटल एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिजेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और नहीं है और आपको एसेंशियल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आती है क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट होती है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी उससे पहले हम बात करते हैं। सैलरी आपकी रहेगी इसमें 33,040 रुपये पर मंथ रहेगा, ठीक है। 28,000 प्लस इसमें 18% आपको 18% आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5,040 रुपये आपके और जुड़ेंगे, ठीक है। तो अप टू इसमें 35 ईयर एज है, कुछ सैलरी HRA मिलता है हमें। जॉब प्रोफाइल की बात करता हूँ, क्या आपका वर्क रहेगा, तो आपका इसमें वर्क रहेगा इन्वेस्टिगेटर विल वर्क अंडर द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर कैरिंग आउट द टास्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट एंड शुड बी एबल टू कंडक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कैरी आवर डाटा का आउट डाटा का रहेगा, कलेक्शंस का रहेगा, स्टैटिस्टिकल का रहेगा, एनालिसिस का रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग, ETC प्रीवियस 6 मंथ एक्सपीरियंस इन रिसर्च इज परफेक्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस उसी दी जाएगी जिस पर रिसर्च एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। बाकी अगर नहीं है तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस तो मिलेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब इसमें उसके पास, मतलब कि अगर 10 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो सबके 10ों के पास ही हो, क्या होता किसी के पास ना हो, और क्या होता एक के पास हो भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें, और उन्होंने बताया जॉब ड्यूरेशन के बारे में, 6 मंथ आपका देखा जाएगा, ठीक है। इंटरली फॉर पीरियड मंथ 6 लाख टू एक्सटेंड बढ़ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें 6 मंथ का रहेगा फिर बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का हमारा इसमें रहेगा आपका पोजीशन डिजिग्नेशन, एक वैकेंसी है आपके पास, और आपके पास अगर DMLT है 10+2 के साथ में डिप्लोमा है, MLT DMLT ITI 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सैलरी आपकी 21,240 रहेगी पर मंथ, 18,000 प्लस HRA मिलाकर ही आपका बैठ रहा है, ठीक है। 3,240 रुपये HRA आपको मिलेगा, अप टू इसमें 28 साल है। और नेक्स्ट इसमें बता रखा है रिसर्च फील्ड वर्क एक्सपीरियंस आपका जो होगा पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स, मतलब कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसी बेस पे आपका किसी प्रोजेक्ट पे आपने अगर वर्क किया है, या टेम्परेरी बेस या कॉन्ट्रैक्टल बेस पे आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए, डिजेबल में नहीं है डिजेबल क्वालिफिकेशन, तो ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल इज मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी DMLT की, तो इसमें रहेगी इन्वेस्टिगेटर विल वर्क अंडर द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर कैरिंग आउट द टास्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट शुड बी एबल टू कंडक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कैरी आउट डाटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ETC, इन सब का आपका वर्क रहेगा। और 6 मंथ का आपका रहेगा लाइकली टू एक्सटेंड परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस देख के ये बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ आपके लिए कैसे इसमें अप्लाई करना है, तो आप देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट्स शुड सबमिट द फील्ड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो कि आपको नीचे प्रोवाइड करवाया गया है, एंड बायोडाटा ऑन द डेट
वॉक इन इंटरव्यू, मतलब कि आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, वॉक इन डे इंटरव्यू वाले दिन ही आपको लेके जाना है, ठीक है। और विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, ठीक है, 10+2 DLT हो गई आपकी, या GNM BSc नर्सिंग हो गया। अब वन सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटो कापीज, क्लियर कर देता हूँ आपके, समझिए DLT फोटो कापी है तो नीचे साइन करना, ठीक है। सेम 10+2 इंटर की है तो आपको नीचे साइन करना, ठीक है। वही हमारा सेल्फ असिस्टेड कॉपी होती है तो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह जो भी अगर आपके पास है तो आप लेके जाएंगे। इंटरव्यू आपका होगा 15 फरवरी 2024 9 बजे होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है रिपोर्टिंग टाइम फॉर कैंडिडेट स्टार्ट्स 9 बजे आपका हो जाएगा रिलेवेंट डेट के टाइम पे, ठीक है, 10 बजे तक होगा, ठीक है। 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। द एबव पोस्ट आर फिल्ड अप प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस की है, ठीक है, नो क्लेम लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें परमानेंट कीजिए, ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्स जोधपुर में आप नहीं कर सकते हैं। नो इक्वायरीज फॉर सर्टिफिकेटेड रिगार्ड आफ्टर ड्यू डेट के बाद आप नहीं कर सकते हैं कोई इक्वायरी। पोस्ट में भी इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, वो जोधपुर के ऊपर है। ऐसे ही यहाँ बता रखा है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ फुल टाइम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और नो TADA हमारा यातायात का भत्ता होता है, तो अगर नहीं, मतलब कि वो नहीं मिलता है, एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ सब बता रखा है। सेम आपको क्या फॉर्मेट इसमें भरना है, अब आपके लिए कौन सा फॉर्मेट भर के लेके जाना है, थोड़ी आवाज़ हो रही है, ठीक है, घर पे काम चल रहा है, थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा। तो फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन आपका जो होगा इसमें, तो यहाँ पर आपको एक अपना फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है, आधे साइन इधर और आधे साइन फोटो पे होने चाहिए। और आपको अपना नाम लिखना है, सॉरी यहाँ पर अपना पोस्ट लिखना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, BSc नर्सिंग वाली, फिर ऊपर जो DLT के दी, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो फाइल नंबर आपको दिया हुआ है और 7 तारीख को हमारा रिलीज हुआ था 7 फरवरी को, वो लिखेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, इसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्स लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वैलिड मोबाइल नंबर लिखेंगे, 2 मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, लैंडलाइन पर भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा 10th 12th, ठीक है, DLT हो गई, GNM हो गया, BSc नर्सिंग हो गई, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी, दो चीज़ हमने बोर्ड से करे होंगे और एक चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी से हो गई। ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, कब पास किया था, क्या परसेंटेज रही थी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे, ठीक है। और आपको कैसे बनना है, यहाँ किस पोस्ट पर रहते हैं आप, कौन से इंस्टीट्यूट में, कब से कब तक रहते हैं, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रही थी, ठीक है। यहाँ सिग्नेचर कर देंगे जो भी आपके होंगे, ठीक है, इनक्लोजर अटैच कर देंगे आप, ठीक है। बाकी बायोडाटा वगैरह आपको लेके जाना है, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे साथ आप जरूर जुड़ें जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।